विधानसभा चुनाव के आहट के साथ ही सारठ में विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना अपना पाला बदलकर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी। वहीं सारठ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह के आवास पर दिन प्रतिदिन विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामने का अभियान तेज कर दिया। इस मौके पर विधायक रणधीर सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार वर्ष 2019 में जनता से वादा किया था कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली बिल माफ कर देंगे, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, जैसे कई झूठे वादे कर सत्ता में आई, एक भी वादे पूरे नहीं कर पाए। ऐसे झूठे वादे का सपना दिखाने वाले निकम्मी हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना अति आवश्यक है, तभी झारखंड का चहुमुखी विकास के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों का कल्याण हो सकेगा। आज आप सभी देख रहे हैं इस तरह से युवाओं का हुजूम, आज कभी सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने पार्टी का सदस्यता लिया। हेमंत जी की सरकार जो सत्ता में आई थी 2019 में, सिर्फ झूठे वादे, लोग लुभावन वादे करके, और हेमंत सरकार ने सत्ता गद्दी हथियाने का काम किया। जितना वादा किया, एक भी वादा पर सरकार खड़ा नहीं उतर पाई। आपने देखा होगा, हेमंत जी ने कहा था हम 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो नौकरी से संन्यास ले लेंगे। आज तक रोड पर युवा उतर के आंदोलन कर रहे हैं, कहीं किसी को नौकरी नहीं मिला। आज आप सभी देख रहे हैं इस तरह से युवाओं का हुजूम, आज कभी सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने पार्टी का सदस्यता लिया। हेमंत जी की सरकार जो सत्ता में आई थी 2019 में, सिर्फ झूठे वादे, लोग लुभावन वादे करके, और हेमंत सरकार ने सत्ता गद्दी हथियाने का काम किया। जितना वादा किया, एक भी वादा पर सरकार खड़ा नहीं उतर पाई। आपने देखा होगा, हेमंत जी ने कहा था हम 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो नौकरी से संन्यास ले लेंगे। आज तक रोड पर युवा उतर के आंदोलन कर रहे हैं, कहीं किसी को नौकरी नहीं मिला।